नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी। महारथी के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, पूर्व विधायक, पूर्व नगर अध्यक्ष सम्मानित श्री गोपी नेमा जी। गोपी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के बतौर। आपका व्यक्तित्व ही एक महारथी बतौर दिखता है, जिस तरह से आपका कृतित्व है। कई दशकों से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे, शहर की नब्ज को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं और आने वाले दिनों के बारे में भी बहुत सटीक टिप्पणियां करते हैं। आप वाक्य शैली के भी कहीं ना कहीं धनी कहे जा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व ही खूब निखर कर एक महारथी बतौर सभी के सामने देखा जाता है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? देखिए, जब से हम सार्वजनिक जीवन में काम करने लगे जी, तब से मन में एक भाव था जी, संघर्ष और सेवा। ओके। क्योंकि जब हमने काम शुरू किया जी, उस दौर में कांग्रेस की सरकार होती थी प्रदेश में, देश में जी, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी जी, ये तो कल्पना से परे था, दूर की कौड़ी लगती थी, बहुत दूर तक जी। लेकिन उसके बाद भी हमारे मन का में इच्छा थी जी, कि हम संघर्ष करें जी, और करते 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 फिर सरकार आई जी, तो हम सेवा के भाव से फिर उसमें हम लगे जी, कि हम संघर्ष और सेवा, बिल्कुल ये सामने हमने दोनों चीजों को रख के हमारी राजनीति शुरू की जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक रूप से तो आपकी खूब पहचान है और राजनीतिक रूप से जिस तरह से आपकी साफगोई, बेबाकी स्पष्ट रूप से झलकती है, उसके कायल भी माहिल्या की नगरी में बहुत सारे लोग हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज उस पक्ष को भी हम जानना चाहेंगे, आपके बाल्यकाल को, आपके विद्यार्थी जीवन को, खास बात आपके माता पिता को लेकर किस तरह के सीख और संस्कार आपको उनसे मिले हैं जो आज भी आप मूल मंत्र के रूप में जीवन करते हैं। देखो, मेरे साथ एक आपको संयोग बताऊं जी, मतलब अभी बैठे बैठे मुझे एकदम ध्यान आया जी, जी। मेरा नाम गोपी कृष्ण जी। अब कृष्ण के जीवन में भी यही हुआ कि पैदा कहाँ हुआ और पला बड़ा कहाँ हुआ, क्या बात है, अद्भुत। ये कृष्ण का जीवन था जी, ये देवकी उनकी माँ, वसुदेव उनके पिताजी, नंद बाबा और यशोदा जी ने उनको पाल के बड़ा किया जी। सेम मेरे साथ भी वही हुआ, क्या बात, जैसा नाम वैसा ही। मैं, मुझे जन्म देने वाले माता पिता जी, तो वहां मैं 1.5 साल तक रहा। अच्छा। उसके बाद मैं अपनी माँ के मामा मामी के यहाँ गोद चला गया, क्या बात है। तो वही कृष्ण जैसा काम हुआ कि जन्म किसने दिया, मुझे बड़ा किसने किया जी। आज मैं यहाँ जो बैठे हैं अपन जी, और मेरे वल्दियत में जिनका नाम है जी, वो मेरे माँ के मामा मामी। ओके। मेरे माता पिता, जन्म देने वालों का नाम मेरी वल्दियत पे नहीं लिखा, क्या बात, ऑन रिकॉर्ड जी, क्योंकि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, क्या बात। तो जैसा मतलब मेरा नाम मेरे दादाजी ने रखा ही है जी। मेरे हम चार भाई बहन हैं, पांच भाई बहन हैं, शहर में ही है। मेरी बहन छोटी है मुझसे, उज्जैन में उसकी शादी हुई जी। तीन भाई है मेरे जी, जो हम सब हैं। लेकिन मेरा नाम जी गोपी कृष्ण रखा जी। मेरे भाई सुरेश, मुकेश, रमेश जी, ये तीन नाम। ओके। उसमें मेरा नाम उन तीनों से अलग हटके रखा गया। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ये सब ऊपर वाले की कोई ना कोई होनी अनहोनी वाली बात है, नहीं तो रमेश, मुकेश, सुरेश के साथ दिनेश रख सकते थे, बिल्कुल, और कुछ रख सकते थे जी। पर ये गोपी कृष्ण नया नाम उसमें तीन के बीच में कहां से आया? बिल्कुल सही कहा। तो ये कृष्ण का नाम मेरे साथ जुड़ा, और मेरे साथ वैसा का वैसे ही घटना भी मेरे साथ वही हुई कि मुझे जन्म देने वाले कौन और मुझे पाल के बड़ा करने और आज यहाँ तक लाने वाले कौन। बिल्कुल सही कहा आपने। और जन्म देने वाले माता पिता का नाम भी आज हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। उनका नाम कृष्णदास जी और सुशीला देवी मेरी माँ, और पालनहार करने वाले मामा वल्लभदास जी और रतन भाई, क्या बात है, बेहद खूबसूरत। अगली अगर बात करें तो हम विद्यार्थी जीवन की बात करना चाहेंगे। किस तरह का विद्यार्थी जीवन रहा आपका, कौन से स्कूल में आप पढ़े? मैं बालविनय मंदिर में पढ़े हम स्कूल में जी, फिर वैष्णव स्कूल में हमने 11वीं तक पढ़ाई की जी। उस वक्त 12वीं बोर्ड नहीं होती थी, 11वीं बोर्ड होती, 10वीं और बोर्ड होती थी, और 11वीं नॉर्मल होती थी जी। और उसके बाद कॉलेज जाना पड़ता था। तो 71-72 में हम वैष्णव स्कूल से निकल कर जी, हम गुजराती कॉलेज में प्रथम वर्ष में विद्यार्थी बने जी। वहाँ पर छात्र राजनीति की रुचि जी, स्कूल जीवन में स्पोर्ट्स में हमारी रुचि थी, हॉकी खेलने की, क्या बात है, फुटबॉल खेलने की।
क्रिकेट में कभी मेरी रुचि उस वक्त भी नहीं रही जी, और आज भी नहीं है। देशी खेलों को ज्यादा पसंद किया? नहीं, फुटबॉल और हॉकी। बिल्कुल। और हमारे साथ एक पवार सर होते थे, ओके, स्पोर्ट टीचर स्कूल जी, में जी। तो वो लंबाई के कारण मुझे फुटबॉल और हॉकी की टीम में ही रखते थे जी। कि तुम लंबे हो तुम फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो जी, क्रिकेट विकेट ये दूसरे खेल में तुम्हारा मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा। तो वो उसमें मुझे रखते थे जी। कॉलेज लाइफ और कॉलेज लाइफ के भीतर आपके जो छात्र राजनीति काफ़ी चर्चित है, आज भी चर्चाओं का बाजार गर्म करती है। जब भी कॉलेज लाइफ की बात होती है, जिन दिनों हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं आप जैसे पुराने लीडर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं जो पिछले चार दशक साढ़े चार दशक से सक्रिय है शहर में, लेकिन छात्र राजनीति की बात आती है तो आपका नाम काफ़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? कैसे? 72-74 जी गुजराती कॉलेज में हम विद्यार्थी बने जी, वहाँ पर हम छात्र राजनीति से जुड़े जी। सुरेश मिंडा की मिंडा पैनल वहाँ पर चलती थी, और भंवर सिंह शेखावत जी जो हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मिंडा पैनल से सचिव का चुनाव लड़े थे, और हम उस चुनाव में उनके साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे जी। 74 में लोकनायक जयप्रकाश ने जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चालू किया गुजरात में चिमनभाई सरकार के खिलाफ जी, और पूरे देश में उन्होंने आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल। और पूरे देश का भ्रमण करने लोकनायक जयप्रकाश जी निकले जी। तो जब वो इंदौर आए तो हमने उनके लिए एक बड़ी रैली सब कॉलेजों के विद्यार्थियों की निकाली। क्या बात है। चिमनबाग में जब सभा हुई जी, उसमें हमारी भूमिका अच्छी रही। क्या बात। और ये भूमिका आगे जाके जब इमरजेंसी लगी जी, तो इसी भूमिका के कारण मैं और मेरे सहयोगी मेरे मित्र जो है लालू जी, हम दोनों को रात को यहाँ से उठाकर ले गए और आपातकाल में हम लोग बंद हुए, मीसा में बंद कर दिए गए जी। बीए फाइनल की परीक्षा हमने जेल में ही कंडक्ट की, आधी परीक्षा बाहर दी थी और आधी परीक्षा जेल में हमने दी, जेल के भीतर वो परीक्षा दी। फिर जेल से छूटे, 77 में जनता सरकार बनी जी, पर हम हमारे कॉलेज कैंपस को ही काम करते रहे जी, विद्यार्थी परियों के बीच में काम करते रहे जी। यूनिवर्सिटी का सचिव बना मैं, उस वक्त महेंद्र हाड़िया जो भी वर्तमान में विधायक है जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता है वो, बिल्कुल वो विधायक है अभी, वो अध्यक्ष थे और मैं सेक्रेटरी था जी। फिर हमने स्टूडेंट पैनल के नाम से विद्यार्थी परिषद प्लस स्टूडेंट पैनल जी, इस नाम से हमने पूरे मध्य इंदौर में जी, हमने ग्रुप बनाया सब कॉलेजों में हमारे लोग खड़े हुए काम करने, सब दूर हमने उसको संचालित किया और काम को आगे बढ़ाया। क्या बात। ये चलते चलते 80 पार हो गया जी, गवर्नमेंट चली गई, जनता पार्टी चली गई जी, फिर कांग्रेस हुकूमत में आ गई। बिल्कुल। 83 में इंदौर नगर निगम के चुनाव हुए, बिल्कुल कोर्ट के आदेश से। क्या बात। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था जी, उसमें हम सब लोग भंवर सिंह जी, मैं, सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय, महेंद्र हाड़िया, तुलसी सिलावट, सज्जन वर्मा, पंकज संघवी, मधु वर्मा, ऐसे तमाम जो आज छात्र राजनीति के लोग अपने अपने दलों से पार्षद के उम्मीदवार बने और जीते जी। और वो काउंसिल बनी जब राजेंद्र धारकर जी पहले मेयर बने थे जी। तो ये 83 के बाद फिर सार्वजनिक जीवन में हम लोग पब्लिक की पॉलिटिक्स में चले गए जो आज तक कायम। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप उन लीडर्स में शुमार करते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की यूं कहें कि जनसंघ के नेताओं के करीब रहने का मौका मिला, उनसे भी खूब बातें सीखने को मिली और आपने काफ़ी लालयत तरीके से उन बातों को सीखा भी, और आज भी आपके भीतर वो विचार वो व्यक्तित्व दिखाई देता है। उन दिनों को कैसे याद करना चाहेंगे आज? देखिए पुराने नेताओं में जी अगर कोई गुरु के रूप में हमको मिले जी तो प्यारेलाल खंडेलवाल जी थे जी, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी थे जी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को गढ़ा, बिल्कुल सीचा, कार्यकर्ताओं को परिपक्व बनाया। क्या बात। और कार्यकर्ताओं को रीति नीति, पार्टी की लाइन और पार्टी की सोच और पार्टी के लिए समर्पण कैसे हो, बिल्कुल सही, ये उन्होंने सिखाने का जो काम किया बिल्कुल वो शायद संभव नहीं कि आज के दौर में कोई सिखाए। बिल्कुल। अभी चार रोज पहले एक और बड़ी शख्सियत जी माननीय कैलाश नारायण जी सारंग, बिल्कुल जिनकी देहावसान 4-5 दिन पहले हुआ, बिल्कुल ये सुंदरलाल पटवा जी, ये ऐसे लोग होते थे जी जो
कार्यकर्ता को डांटते भी थे, बिल्कुल प्रेम भी करते थे, समझाते भी थे, प्रोत्साहित भी करते थे, क्या बात, और काम करने का रास्ता भी बताते थे, मतलब एक परिवार भाव से, बिल्कुल घर के वो पार्टी के नेता के रूप में काम नहीं करते थे, वो परिवार के मुखिया के रूप में बात करते थे, बिल्कुल, और अपने को उस परिवार का छोटा समझते थे बच्चा जी, सदस्य जी, कि ये गलत लाइन पे नहीं चला जाए, बिल्कुल थोड़ा सा अगर आदमी हिला जी, तो वो उसे कान पकड़ के सीधा खड़ा कर सकते करते थे, क्या बात, और आगे की लाइन समझाते थे कि ये ऐसा बेटे ऐसे नहीं ऐसा, और तुम्हारी बहुत लंबी लाइफ है, बहुत लंबी राजनीति है, जरा से मैं इधर उधर डगमगाओगे तो यहीं रुक जाओगे, स्लिप हो जाओगे, गिर पड़ोगे, बिल्कुल सही, तो ये सिखाने वाले नेता अब नहीं बचे, बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं आपके बारे में भी यदि देखा जाए तो आपने कभी अपनी राजनीतिक क्षेत्र में कोई शॉर्टकट नहीं मारा और काफी पूरे धैर्य के साथ में पार्टी संगठन की ओर से जो भी आपको दायित्व मिले आपने खूब खूब निभाया। आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का कब मौका मिला था, किस तरह का संस्मरण था? विधानसभा 89 में मैं चुनाव विधानसभा का पहला लड़ा जी, चुनाव इंदौर के सबसे ताकतवर व्यक्ति वो जिसे मध्य प्रदेश में शेडो मुख्यमंत्री कहा जाता था, अर्जुन सिंह जी के समय, माननीय महेश भाई, महेश जोशी जी, उनसे चुनाव लड़ा मैं जी। और मैं जब चुनाव लड़ा तो पटवाजी भाजपा के अध्यक्ष होते थे जी। उनने मुझसे कहा कि देख महेश जोशी है बिल्कुल और बहुत तकलीफ होगी बिल्कुल, लेकिन मैं तुझे इस विश्वास पे वहाँ से लड़ाना चाहता हूँ कि तेरे पास बंदर सेना है, मतलब छात्रों की टीम है वो बंदर सेना बोले उस वक्त, कि तेरे पास ये बंदर सेना है और तू हनुमान बन के रावण से लड़ने जा रहा है, क्या ये उनके वर्ड थे जब मुझे टिकट क्लियर हुआ जिस दिन, कि ध्यान रखना मैं तेरे को हनुमान समझ के तेरी बंदर सेना के विश्वास पे महेश के सामने टिकट दे रहा हूँ, लड़ लेगा, मैं नहीं लड़ूंगा पार्टी लड़ेगी, बिल्कुल सही कहा, मैंने ये कहा इनके मैं नहीं लड़ पाऊंगा पर पार्टी लड़ेगी और जनता लड़ेगी, बिल्कुल सही कहा, और वही हुआ कि हम चुनाव जीत गए, क्या बात। मैं जब भोपाल पहली बार गया जी, तो लोग मेरा फोटो खींचने, वहाँ की भोपाल की प्रेस ने खूब फोटो खींचे, क्या बात, और वो इसलिए कि ये लड़का है जिसने महेश जोशी से चुनाव लड़ा और जीता। और आप राजनीतिक सुजन्यता देखो, जिस दिन मैं पहली बार भोपाल गया जी, महेश जोशी जी के यहाँ खाना खाया, क्या बात, उनने उनके बंगले पे मुझे बुलाया, क्या गोपी इधर उधर कुछ नहीं, अभी तो जानता नहीं भोपाल किधर क्या रास्ता, क्या है, सीधा यहाँ खाना खा, और जब तक अगर कहीं जगह नहीं हो रहने की तो यहीं रहना, हालांकि मैं पहले में रुका नहीं उनके यहाँ, पर ये उनका बड़प्पन और बड़ी बात, और फिर उनके मित्रों से मुझे ये कह के मिलवाया कि ये है गोपी जिससे मैं हरा हूं, क्या बात, कितना बड़ा हृदय, ये कितना बड़ा दिल महेश भाई का, मतलब ये अपने आप में माने रखता है, सही बात, और आज के लीडर को भी कितनी बड़ी सीख हो सकती है कि राजनीति। उसके बाद एक किस्सा आपको और सुनाऊं, मैं चुनाव लड़ रहा महेश जोशी के सामने, क्या बात, फॉर्म भर के मैं बाहर निकला कलेक्टर ऑफिस, सामने से महेश भाई आए, मैंने उनको चरण स्पर्श किए और उनके सामने मैंने ऐसे हाथ फैला दिया, क्या बात है, तो ये क्या है, मैंने कहा देखो मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ तो दो मेरे को आप, क्या बात, तो उन्होंने जेब में से 100 का नोट निकाल के मेरे हाथ पे रख दिया, क्या बात है, क्यों ये मेरी तरफ से रख तू चुनाव लड़ने के लिए, तो ये एक मोहब्बत इंदौर में ही हो सकती है, बिल्कुल सही कहा, बाकी कहीं ये देखने को नहीं मिल सकती, बिल्कुल सही कहा आपने, देवी अहिल्या की नगरी में मोहब्बत देखी जा सकती है, और वो समय था वो इस तरह का कार्य, और आज भी रोमांचित करते यदि मैं आपसे ही बातें सुन रहा हूँ, आपके मुख से ही बातें निकल रही है, कद्दावर लीडर महेश जोशी जी, मध्य प्रदेश ही नहीं जिनकी देश में नाम हुआ करता था, और कहने के उनके सामने खड़े रहने की उस दौर में तो छोड़ो आज के दौर में भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता जब तक संगठन साथ ना हो, लेकिन आपकी वाक्पटुता थी और आपका कहने के आप बतौर सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी पहचाने गए अपने जीवन में, कैसा लगता है? देखो वक्ता का तो क्या है, मैं आज के नेताओं से या सभी से जो सुन रहा है इस चीज को सुनते हैं, और अगर उनके मन में अच्छा वक्ता बनने का भाव है जी, या सोचते हैं जी, तो सबसे पहली शर्त यह कि उन्हें अच्छा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, अच्छी चीजें पढ़ो, बिल्कुल, ये कंप्यूटर जिसके भरोसे हम दुनिया चला रहे हैं जी, नेट पे हम हर चीज की जानकारी देख लेते हैं जी, इंटरनेट से पूछ लो जी, लेकिन ये नेट ये कंप्यूटर बनाए किसने जी, इस दिमाग ने, बिल्कुल सही कहा आपने, आदमी के दिमाग ने इन चीजों को बनाया, तो आप इस बात को ये समझो कि नेट और उस कंप्यूटर से ज्यादा समझदार
व्यक्ति का मेमोरी, व्यक्ति का दिमाग है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपने कोई एक बार एक चीज पढ़ ली जी, मनोयोग से जी, तो वो आपके दिमाग में शेयर हो जाएगी। बिल्कुल। और जब कभी आपको उस चीज की अवसर जरूरत होगी, वो उस मेमोरी में से निकल के आपकी जिह्वा पे अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो अच्छा बोलने के लिए आपको जरूरी है कि आप अच्छा पढ़ने की आदत डालो। आप मानोगे या नहीं मानोगे, मैं आज भी जी, आज तक रात को घंटे आधी घंटे कुछ भी पढ़ने की इच्छा रखता हूँ और पढ़ता हूँ। क्या बात है। मैं बाहर सफर पे जाता हूँ तो शेविंग किट के साथ जी, कुछ पुस्तकें भी मेरे बैग में रखता हूँ। वो कौन सी पुस्तकें होती हैं? कोई भी जी, धर्म की हो, दर्शन की हो जी, कहानी किस्से हो भले ही जी, नॉवेल हो जी, या रजनीश हो जी, विवेकानंद हो। क्या बात है, बहुत सुंदर है। कुछ भी, लेकिन पढ़ने का साधन जी, मेरी अटैची में हमेशा आपको बाहर जाने पे मिलेगा जी, कि मेरे साथ बुक जैसे शेविंग किट रखी, मोजे रखेंगे, रुमाल रखेंगे, बिल्कुल सही कहा, एटीएम कार्ड रखेंगे, पर्स रखेंगे, तो उसके साथ किताब भी रखेंगे। किताब, मैं किताब पहले देखता हूँ, दवाई की रखी अपनी तो किताब भी रखो। सही है, सही कहा किसी ने कि किताब तो मनुष्य की सबसे परम और प्रिय मित्र हो सकती है, और उसे बुद्धिमान बनाने में जो सहायता एक पुस्तक कर सकती है, जिन पर लिखी गई है उन वरिष्ठ शख्सियतों पर जिनके व्यक्तित्व से हम अपना कृतित्व बना सकते हैं, और वो काम आपने खूब 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 किया। सामाजिक सरोकार भी आपका अभी देखा। अभी अभी आपको किताब को बताऊं मैं, अभी अपन यहाँ बैठे ये सामने देखना, तीन वो किताब ही पढ़ी है मेरी जी, कोने में जी, और इन लॉकडाउन के पीरियड में जी, मैंने अपने हिंदू धर्म के 18 पुराण, क्या बात है, खूबसूरत, और 4 वेद जी, वो सब पढ़ लिए फुर्सत में। क्या करते क्या घर पे बैठे बैठे, टीवी से आँख खराब करो, वही रोने की सीरियल है, बिल्कुल सही, सास बहू के झगड़े जी, उससे अच्छा है कि कुछ पुस्तकों में मन लगा लो आप जी। तो मैंने 18 ही पुराण अभी इन दिनों में पढ़ लिए, क्या बात है, और 4 वेद पढ़ लिए मैंने, क्या बात है। तो ये शौक होना चाहिए अंदर से, आपके मन में पैदा होना चाहिए कि कुछ पढ़ना है। बिल्कुल सही कहा, कुछ नवाचार करना है, और वो नवाचार करने में आप हमेशा जुटे रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में तो आपने खूब धूम मचाई, आपका खूब नाम, मतलब गोपी कृष्ण नीमा जी की यदि बात की जाए तो आप किसी पद को लेकर नहीं पहचान होती, बल्कि एक नाम ही बड़ी पहचान बन चुका है। आपका सामाजिक सरोकार खूब देखा जाता है, देवी अहिल्या की नगरी में आपका नाम खूब लिया जाता है, साथ ही आप अलग अलग समुदायों से, समाजों से खूब करीब से जुड़े रहते हैं, कहने के हृदय से जुड़े रहते हैं। आखिर ये खूबी आपके भीतर आपने कहाँ से समेटी? कुल मिला के आज आपका इंदौर में पहचान है, जानते लोग आपको जी, और कोई आपको एक पत्रिका देने आता है शादी की जी, तो कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जी, उसके घर में शादी होगी तो वो 500, 1000, 2000, 5000 पत्रिका छपाएगा। बिल्कुल सही कहा। और बड़ा होगा तो 10000 छपा लेगा। अब वो 10000 पत्रिका में जी, उसे 40 लाख के शहर में 10000 लोग ढूंढना है। बिल्कुल। 40 लाख के शहर में 200 लोग ढूंढना है, 250 लोग ढूंढना है, 500 लोग ढूंढना है, जितनी उसने पत्रिका छपाई। बिल्कुल सही। अब उस 40 लाख में वो एक पत्रिका आपको लिखता है जी, सही कि ये 500 में एक मेरा ये व्यक्ति है। बिल्कुल। अब उसकी भावना को आप समझो, जो आपको पत्रिका देने आया है, वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, ये मतलब नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन उसने अपनी उस 200, 300, 400, 500 की पत्रिका में 500 लोगों की लिस्ट में एक आपको समझा है। बिल्कुल। एक आपको माना है उसने जी। तो अपन उसके भाव की कदर करते हुए खूब संवेदनशील हृदय वहां पे जाना चाहिए कि इनने अपने को 40 लाख लोगों में 500 लोगों में गिनती अपनी एक नंबर पर एक व्यक्ति के रूप में करी है। इसलिए मैं मैक्सिमम शादियों में जी, खाना बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल सही कहा। जाना बड़ी चीज है। बड़ी चीज। बिल्कुल सही कहा। फिर अखबारों में निजी की सूचना आती है जी, गम की सूचनाएं आती है जी, उनको पढ़े, कहीं सुना किसी से व्हाट्सएप पे या मैसेज से अपनी जानकारी में आया, और अगर उस वक्त अपन उठाने में या उसमें नहीं जा पाए तो एक आध दिन में उसके घर अगर सांत्वना देने चले जाओ तो उसको बहुत अच्छा लगता है जी। उसके मन में अपने प्रति अच्छे भाव आते हैं। और आप सार्वजनिक जीवन में अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हो उसकी सांत्वना और उसकी खुशी में जाके। बिल्कुल सर। तो ये हमारा सोच उस तरह से था कि अपन अपने परिचितों के दुख सुख में अपने को जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आपका जो सक्रियता है वो देखते बनती है। कहा जाता है कि आप हर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को आपकी जरूरत होती है। कई बार इतनी सक्रियता राजनीतिक से, सामाजिक रूप से, परिवार को किस तरह सेक्रीफाइस करना पड़ता है? परिवार को तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्या बात? आप मेरे घर में पूछ सकते हो जी,
पहली प्राथमिकता ही परिवार है, बिल्कुल, उनकी आवश्यकताएं, उनका समय, उनकी जगह, उन सबसे जब है जी, क्योंकि 24 घंटे घर वाले भी आपको नहीं चाहते कि आप घर में बैठे, बिल्कुल सही कहा, वो ये भी नहीं, लेकिन उनके समय पे जब उनको अपनी जरूरत है तब फिर सब छोड़ के पहले उनकी काम करना चाहिए, बिल्कुल, और उसके अलावा घर वाले घर में मस्त है, अपन बाहर मस्त है, बिल्कुल सही कहा, अपने मित्रों में मस्त है, अपने लेकिन गॉसिप में मस्त, लेकिन मित्रों को थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपन, परिवार में आज बच्चे हैं जी, परिवार है, पत्नी है, उनको सेक्रीफाइस करवाने में अपन अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो आपके विश्वास पे, सही बात है, वो आपके लिए है जी। तो मैं अपने मित्रों में भी एक बात कहता हूँ जी, कि जो दहलीज है ना जी, घर की जी, इस दहलीज के अंदर पूरी दुनिया है, क्या बात है, खूब सुंदर, इस दहलीज को पार किया जी, तो ये झूठी दुनिया है, फिर बिल्कुल सही, मुंह देख के तिलक लगाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल सही, हाँ भैया ऐसा हो गया, भैया वैसा हो गया, अरे भैया, अरे भैया, लेकिन आपके अच्छे और बुरे में बिल्कुल अगर कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले दहलीज के अंदर लोग हैं, बिल्कुल सही कहा, तो आपके रहते आप इनको जितना इंजॉय कर लो, इनको जितना सुख दे दो, बिल्कुल सही, या इनके लिए जितना समय दे दो, कर लो, वो करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। परिवार की बात हो रही तो बच्चों की बातें करना चाहेंगे, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, क्या कर, बेटी की शादी हो गई, मेरे दामाद डॉक्टर है, सर्जन है, क्या बात, वो बेटी ने MBA किया है, वो हाउस वाइफ है जी। बेटा है मेरा, बहू है, एक पोता है, क्या बात, बेटा मेरा ICICI बैंक में स्टेट हेड है, क्या बात, उसके अंडर में मतलब पूरे स्टेट की बहुत सारी ब्रांच है उसके अंडर में, मेरी बहू भी ICICI बैंक में ब्रांच मैनेजर है जी। और पोता छोटा है, अभी स्कूल जाना चालू किया था और लॉकडाउन में फिर घर पे ही हूँ। देखा जाता है कि कोई भी इतने अच्छे पॉलिटिशियन, इतने साफ सुथरे छवि के पॉलिटिशियन चाहते हैं कि उनकी विरासत कोई संभाले, आपके मन में कभी कोई ऐसा भाव नहीं आया? देखो साहब, ये राजनीति अब विरासत संभालने जैसी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या बात है, अपन इसमें है, लेकिन कई जगह आज के इस दौर में जैसे लोग कर रहे हैं जी, उसमें अपन अनफिट है, बिल्कुल सही, ये मैं स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्या उस दौर में मैं अनफिट हूँ जी, जो जिस तरह का वातावरण निर्मित हो रहा है जी, न मैं बड़े बड़े होल्डिंग लगा सकता हूँ, बिल्कुल सही, न मैं बड़े बड़े विज्ञापन दे सकता हूँ, न बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में घूम सकता हूँ, न 5-50 लोगों को साथ में लेके उनके आओ साहब जाओ साहब में लग सकता हूँ, मैं एक्चुअल कार्यकर्ता हूँ जी, अपना छोटा 2-व्हीलर अच्छा, लेकिन जन सेवा का भाव जितना मेरे मन में है जी, शायद उन लोगों में नहीं है जो ये दिखावट की राजनीति करते हैं। क्या बात, पार्टी की रीति नीति, पार्टी की लाइन, पार्टी का विचार जी, जो हमारे अंदर ठाकरे जी ने और प्यारेलाल जी जैसे लोगों ने कूट कूट के भरा है, सिद्धांतों की राजनीति, वो मैं आज उस पर कायल हूँ, लेकिन कई जगह हमको ऐसा लगता है कि अपन फिट नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से आप सिद्धांत की राजनीति करते हैं, कभी आपको उसके बाद भी जी मन में एकाध क्षण तकलीफ होती है कि यार ये गलत हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा मन स्वयं अपने आप को समझा लेता है कि ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तेज दौड़ने वाला जल्दी थकेगा और जल्दी गिरेगा, अपन आराम से चल रहे हैं, कभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे। क्या बात है, और जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था उसका आंसर आपने मेरे प्रश्न से पहले ही मेरी भावनाओं को, मुझे लगता है आपका सिक्स सेंस भी खूब गजब है। आप जिस तरह से राजनीति में यूँ कहें कि आध्यात्मिक रूप से भी आपने बातें बता दी कि आपने लॉकडाउन को किस तरह उपयोग किया और कहने के उतना ज्ञान अपने भीतर भर लिया, मुझे लगता है आपका आने वाला जीवन भी आपने यही मानव जीवन जो है सार्थक कर लिया आध्यात्मिक रूप से। देखो, सारी बुक्स पढ़ कुल मिला के क्या है, अपना धर्म ये कहता है कि 84 करोड़ योनियों के बाद आदमी बने, देह मिला, बिल्कुल, अब कई सांप बने, बिच्छू बने, जानवर बने, पशु बने, पक्षी बने जी, अगले जन्म में, बिल्कुल सही, ये मनुष्य का जन्म जो मिला है जी, इसका अच्छे से अच्छे काम में, क्या बात, और अच्छे से अच्छे भले में लोगों का उपयोग हो जाए, बिल्कुल, ये चिंता होना चाहिए, बिल्कुल, इसको भी फिर पाप कर्म में डाले, सही बात, इसको भी गलत लाइन में डाले तो फिर कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सही कहा, इसलिए अपन मनुष्य के रूप में आए हैं, क्या मालूम किन किन योनियों में भटकते हुए इस जन्म में आए, अगला जन्म क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म में अपन आए हैं तो इस जन्म का अच्छा उपयोग, सदुपयोग स्वयं के लिए और समाज के लिए, क्या बात, अपने लोगों के लिए कर ले, ये भाव अपने मन में होना चाहिए, और है अपन पूर्ण रूप से उसको मानने वाले आदमी है, ऊपर वाले ईश्वर को उसी के आदेश पे सब होता है। कहा तो यही जाता है कि जिस तरह से
प्रभु श्री रामचंद्र जी आए तो उससे पहले रामायण लिखी जा चुकी थी, और मैं तो ये मानता हूँ कि हो सकता है कि हर व्यक्ति की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है कि किसे कब क्या मिलना है, कहाँ से मिलना है, उसे कितने दिन राजयोग भोगना है, कितने दिनों तक चुनौती और संघर्ष का भी सामना करना है। कई बार ऐसा लगता है कि आप राजनीति के भी शिकार हुए कहीं ना कहीं, आपको कभी लगता है ऐसा? राजनीति के शिकार हुए? नहीं, देखो एक बात सुनो, मैं आज कुछ नहीं हूँ, चलो जी मैं एक बात बताऊंगा आपको। आप विधायक बन गए या सांसद बन गए, आपके पास कोई मदद के लिए आया, आपने अधिकारी को फोन किया, बिल्कुल उसका काम हो जाएगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, पर आप अधिकारी को फोन ही करोगे, चिट्ठी लिखोगे, बिल्कुल यही करोगे ना। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो काम में बिना कुछ होते हुए भी कर रहा हूँ और उतना ही उसका हो रहा है जितना होना चाहिए। वही तो मैं अपने आप को कम क्यों समझूं? बिल्कुल सही कहा। मैं अपने आप में सांसद हूँ, मैं अपने आप में विधायक हूँ, मैं अपने आप में मंत्री हूँ। सही बात है, ऐसा भाव मेरे मन में, ऐसा आत्मबल आपके भीतर भरा मेरे अंदर है ये कि मैं चिट्ठी लिखूंगा, चाहे माननीय जिलाधीश को लिखूं, नगर निगम कमिश्नर को लिखूं, पुलिस के किसी अधिकारी को फोन करूं, तो वो उतना ही वेट मुझे भी दे रहा है ना जितना वो विधायक सांसद को देता है। तो होना नहीं होने में क्या फर्क पड़ता है? अपना एम जनहित है, बिल्कुल आवश्यकता जिसकी है उसकी मदद करना, वो अपन नहीं होते हुए भी कर रहे हैं, तो ये अपने मन का सुख है। वाकई कितने बृहद विचार है, आपको सुनो तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रह जाओ, और सुनने के साथ साथ आत्मबल जिस तरह से बढ़ता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं, हर मनुष्य जो है बगैर पद के भी काम कर सकता है, और वो करना जागता उदाहरण एक प्रमाणिक तौर पर आपका एक नाम है। मैं शायद इंडिया में क्या वर्ल्ड में जी पहला ऐसा व्यक्ति होगा जी जिसके बारे में आप भी बिलीव नहीं करोगे। क्या बात है, मैं रात को चुनाव 354 वोट से रात कल चुनाव हारता हूँ जी, कल शाम को मैं चुनाव हारा जी, जो कार्यकर्ता थे वो इस बात के गवाह हैं, चुनाव हारे 354 वोट से, बिल्कुल अपने सुदर्शन गुप्ता जी जो अभी विधायक थे पहले, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के जी, वो उस वक्त विधायक नहीं था जी, उसको मैंने बुलाया, जो लोग मेरे भाई बहन कार्यकर्ता जो महिलाएं थी पुरुष थे उन 30-40 लोग, मैंने सुदर्शन भाई को फोन लगाया कि यार सुदर्शन 40 पैकेट अप्सरा से खाने के लिए क्या बात है। हारने के बाद सबको स्टेडियम में बिठाया, बाहर वो जो वो मूर्ति लगी है ना, वो सर किसकी मूर्ति लगी, वो बैट बल्ले वाली, हाँ वो बैट, वहाँ बैठे हम सब, सबको खाना खिलाया के पैकेट दिए, मैंने कहा खाना खाओ। कुछ लोग बोले अरे खाते नहीं बनेगा, मैंने कहा यहाँ नहीं, मेरे सामने नहीं बनेगा, घर जाके खाओगे तो यही खा लो यार, मैं भी खा लेता हूँ। खाना खिलाया सबको, मैं भी खाया, सबको छोड़ने की व्यवस्था की, जो बहनें थी उनसे पूछा कि कैसे है क्या साधन है, नहीं तो हमारे कार्यकर्ताओं के सुपुर्द किया कि इनको आप बहन जी को घर छोड़ो जी। वो हो गया, घर आए, सोए, और सुबह 5:30 बजे उठ के मेरे रूटीन में क्या बात है? मैं मेरे वॉकिंग पे निकल गया, क्या सुबह सुंदर, कल चुनाव हारा और मैं मेरे ट्रैक सूट पहन के हाथ में छड़ी लेके घूमने निकल गया, क्या बात है? तो जो दिन उगते उगते लोगों ने मुझे देखा तो लोग एक दूसरे को खुसुर बुसुर कर रहे हैं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, बिल्कुल सही कहा। अब मैं मेरे मस्ती में घूम के वापस आया, नहाया धोया, 8:30 बजे जाके अपने वही पान के अड्डे पर खड़ा हो गया, क्या बात, नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही कहा। लोग मेरे से कहते अरे यार कैसे हार गए, तो मैंने कहा अपन 2-2 बार जीते, तुमने उस टाइम नहीं किया, कैसे जीत गए? बिल्कुल सही बात, ये क्या बात हुई, हार गए तो हार गए, जीत गए जीत गए, सही बात है, शिरोधार करना चाहिए। तो ये इतनी हिम्मत वो परमपिता ने मुझे दी, क्या बात है, बहुत सुंदर, कि मैं इस स्थिति में भी अपने आप को मेंटेन करके और खड़ा हूँ। और ये सब जानते हैं, वो कहते तुम भारी आदमी हो, घर में रहना चाहिए, काय के लिए रहना चाहिए, हो गया चुनाव कल खत्म, अब अपने आगे की बात करो, क्या बात है, मतलब अगला दिन आता है तो अगले काम के लिए आता है, और अगला दिन अगले काम करना चाहिए, और वही काम कहने के आप करते दिखाई देते। आप काफी समन्वय की राजनीति भी करते, कहने के कटुता की राजनीति से दूर है, कभी विपक्षी पार्टी के लोग आपकी खूब तारीफ करते, आखिर वो कौन सा गुण है कि आप उनको इतना प्रेम दे देते, वो आपकी तारीफ करते, और अपनों के बीच कहीं ना कहीं आप 5 साल में 1 महीना जी चुनाव वाला, बिल्कुल 4 साल 11 महीने जी, हम सब मनुष्य हैं, इस शहर के निवासी हैं, और एक दूसरे के लिए पारिवारिक प्रेम रख के संबंध निभाना चाहिए, बिल्कुल सही। 1 महीने हमारा झगड़ा है, लेकिन वो एक विचार का झगड़ा, बिल्कुल सही है, वैचारिक सिद्धांतों का झगड़ा है, उन दिनों में भी हमारा व्यक्तिगत फाइट नहीं है, बिल्कुल सही कहा, मतभेद है, मनभेद नहीं है, मंच पे हम उनकी पार्टी की बुराई करेंगे, बिल्कुल उनकी रीति नीति की बुराई करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति की बुराई नहीं करेंगे, बिल्कुल उसके चरित्र
चित्रण मंच पे नहीं करेंगे। अश्विन और हम चुनाव लड़े, लेकिन हम जहाँ जनसंपर्क में एक दूसरे से मिल जाते थे तो हाथ मिलाते थे और बेस्ट ऑफ लक एक दूसरे को बोलते हुए अपने अपने रास्ते पे निकल जाते थे। और सबसे चर्चित चुनाव हुआ करते थे और कहीं पर हम एक दूसरे से मिलते हुए हेलो हेलो करते, बेस्ट ऑफ लक करते। और कई बार तो ये होता कि वो अश्विन मेरे गले में हाथ डाल देता और हम चाय की दुकान पर खड़े हो जाते और दो एक एक कट लेके पीने लग जाते, और फिर वो उनके रास्ते उसकी भीड़ के साथ में मेरी भीड़ के साथ। आज आप काफी एक अलग मजा होता था। आज आप काफी टीट फिट नजर आते हैं, आज भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देवी अहिल्या की नगरी को आपसे काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से शहर में यदि आपकी बात की जाए, आप भले घर में रहे, अपना अपने आप को पढ़ाने में व्यस्त रहे, पढ़ने में व्यस्त रहे, लेकिन आपकी खूब चर्चा होती है, आपसे उम्मीद है इस शहर को। क्या गोल है आपका आने वाले दिनों में देखा जाए? देखिए, उम्मीद सबको रखना चाहिए अपने जीवन के प्रति, जी, मित्र के प्रति, सहयोगी के प्रति, एक दूसरे के प्रति, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा होना ये उस परम शक्ति के हाथ में है। जी। वो आपको अवसर दे, क्या बात है, तो अपन हिस्टोरिकल काम करने की इच्छा रखना चाहिए। क्या बात है, खूब सर, ये लोग आप नहीं रहो तो उस काम को देख के कहे कि ये काम उनके दौर में हुआ था। बिल्कुल सही कहा। जैसे आज लोग याद करते हैं सुरेश सेठ साहब को, लट्टू हटा के ट्यूबलाइट पूरे शहर में उन्होंने लगा दी, तो ये एक हिस्टोरिकल काम है। बिल्कुल। और वो जीवन में आदमी को करने की इच्छा रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम हो जाए जी। लेकिन उसके लिए आपको अवसर मिले और ऊपर वाला आपको चांस दे, ऊपर वाले में सबसे ऊपर वाला भी हो गया, पार्टी के ऊपर वाले भी हो जाते हैं, ये दोनों मिल के अगर कोई मौका आपको देते हैं जी, तो आपको निश्चित रूप से ऐसा काम करना चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में मेरा एक सिद्धांत है, अगर मेरे दरवाजे पर कोई मेरा विरोधी भी मदद मांगने आता है जी, तो आप इस बात को ऐसे सोचो कि इनने एक एक कदम उठा के यहाँ तक आया होगा तो उसने स्वयं को कितना अपने आप को मारा होगा। बिल्कुल सही कहा कि मैं किसके घर जा रहा हूँ जिसकी मैंने लगातार खिलाफत की, जिसके खिलाफ मैंने काम किया जी, और उस आदमी से मैं मदद मांगने जा रहा हूँ तो वो वहां से उसके घर से आपके घर तक कितना अपने आप को उसने मारा होगा। बिल्कुल। और आपके यहाँ आए और आप उसे जलील करो या उसे प्रताड़ित करो जी, तो फिर आपसे बुरा आदमी कोई नहीं, कोई नहीं होगा। लेकिन आप उसे हंस के बिठाओ जी, उसकी तकलीफ को दूर करो, बड़ा तो आपके मन में उसके प्रति जो भाव पैदा होगा वो आपको आने वाले समय में दिखेगा कि जब कभी आप फिर सड़क पे जाओ तो घर से हार लेके आपके लिए खड़ा रहेगा कि मैं हार पिना रही हूँ आपको और आप मेरे लिए कोई काम बोल। बिल्कुल सही कहा आपने, कृतज्ञता का भाव इसे ही कहते हैं। और परोपकार यदि व्यक्ति करता है तो जिस पर भी वो उपकार करता है वो सामने वाला जो मनुष्य है, जो मानव है, वो कितना भी कैसा भी हो वो कृतज्ञता का खून सफेद नहीं है, भर सा जाता है, इतना सफेद नहीं है खून आज भी दुनिया में लोगों का। बिल्कुल सही कहा। आप अपने आप को टिट फिट रखने के लिए इन दिनों क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्राणायाम? मैं प्राणायाम भी तो नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह वॉकिंग करता हूँ जी, और कुछ योग जो शुरू से, मतलब ये योग अभी लोग बाबा रामदेव के चक्कर में समझने लगे, पर मैं शुरू से जो करता हूँ वो करता हूँ। मैं ओम का नाद, क्या बात, का उच्चारण बराबर सुबह करता हूँ, उससे अपने आप फेफड़े और श्वास की क्रियाएं होती है। तो ओम का नाद, कुछ योग और वॉकिंग, फिर खाने पीने में संयमता, ओके, वो सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण बात है। बस मेरे शादियों में इतनी जाते हैं लेकिन घर से रोटी खा के निकलते हैं, थोड़ी सी जगह रखते हैं, कहीं एक आध सलाद का टुकड़ा खा लिया, कहीं एक आध अच्छी मिठाई लगी तो वो खा ली, बाकी हर जगह प्लेट नहीं उठाने का। आपसे जब भी चर्चा करते तो आप कहीं ना कहीं इतने बड़े पदों पे रहे, इतने चर्चित, इन कहीं के सर्वश्रेष्ठ विधायक बतौर भी पहचाने गए, बावजूद अहंकार से दूर रहे, फिर कहाँ से? देखो क्या है इसमें, एक आपको बताऊं मैं जी, कोई भी पद आपको अगर मिलता है जी, आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, जो भी बन जाओ, बिल्कुल, ये जितने पद हैं मैं व्यक्तिगत तौर से इन्हें ट्रेन का फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट का कूपा मानता हूँ। बिल्कुल, उतरना ही है आपको, और इस बार उस कूपे में ऐसी कूपा है फर्स्ट क्लास का, वो अपना घर नहीं है, क्या बात, वो एक यात्रा है समय की। बिल्कुल। और जब वो यात्रा का समय खत्म होगा तो उस कंपार्टमेंट से आपको खुरदरे प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये दिमाग में अगर आपके रहेगा जी, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और सहज बने रहोगे। लेकिन उस कूपे को अगर आपने घर मान लिया
कि यही सब कुछ है मेरी दुनिया जी। तो फिर आप जब प्लेटफॉर्म पे खुरदरे पे उतरोगे तो बहुत मन और मस्तिष्क को और शरीर को इतना कष्ट होगा कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो अपन ने पहले दिन से उसे कंपार्टमेंट का कूपा ही माना है पद प्रतिष्ठा को, बिल्कुल टेम्पररी है। परमानेंट तो जो मेरे प्लेटफॉर्म का खुरदरा प्लेटफॉर्म है वो परमानेंट, बिल्कुल सही कहा। और यही बात जो है, यही आपके विचार जो है आपको एक महारथी बतौर पहचान दिलाते हैं, और इसी कारण देवी अहिल्या की नगरी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपका खूब नाम है। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में हिस्सा लिया, आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, कई मूल मंत्र बता दिए राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।